साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। देव दिवाली के मौके पर लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का असर दुनिया भर में देखा जाएगा। जब जब चंद्रमा मायावी राहु केतु की गिरफ्त में आया है, उस पर कुछ घंटों के लिए ग्रहण लगा, लेकिन क्या यही ग्रहण भारतीय राजनेताओं की राजनीति पर भी लगेगा? आम आदमी को प्रभावित करने वाला ग्रहण क्या राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान कर सकता है? आज ये सवाल इसीलिए क्योंकि जब जब दुनिया इस खगोलीय घटना की साक्षी बनी है, परिणाम स्वरूप राजनीतिक उथल पुथल जरूर मची है। 15 दिनों के भीतर दो ग्रहण का पड़ना क्या महाभारत जैसी मचेगी तबाही? ग्रहण की गिरफ्त में आम से खास भारतीय राजनीति में मचेगी कैसी उथल पुथल? आज का चंद्र ग्रहण और दिवाली के मौके पर पड़ा सूर्य ग्रहण, इन दो ग्रहण के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भारतीय पंडितों की माने तो बैक टू बैक 15 दिनों के अंदर इस तरह से दो ग्रहण का पड़ना महाभारत काल के दौरान देखा गया और नतीजतन द्वापर युग में भारी तबाही मची। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कुरुक्षेत्र में लड़ी गई महाभारत फिर से इस कलयुग में लड़ी जाएगी? आज के इस चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिषियों का कहना है, आज का चंद्र ग्रहण मंगल की राशि मेष में लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में सायंकाल में चंद्रोदय के समय कुछ समय के लिए दृश्य होगा। भारतीय समय अनुसार इस ग्रहण का आरंभ दोपहर 2:39 पर होगा तथा ग्रहण की समाप्ति सायं 6:19 पर होगी, किंतु भारत में ये ग्रहण केवल चंद्रोदय के समय यानी शाम 5:12 के बाद दिखाई देगा, वो भी खग्रास रूप में, यानी चंद्रमा के आंशिक रूप से ग्रसित रूप में ही चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जो कि ये ग्रहण भारत समेत कई एशियाई द्वीपों, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में दिखाई देगा, इसलिए इसका प्रभाव इन देशों में देखने को मिल सकता है। बात अगर भारत की करें तो ज्योतिषियों की माने भारत में चंद्र ग्रहण की वजह से अगले सप्ताह बारिश के योग बनेंगे, जिससे मौसम बिगड़ सकता है और नवम्बर के दूसरे सप्ताह से ही सर्दी बढ़ने लग जाएगी। कई जगहों पर पाला भी गिर सकता है, जिससे फसल खराब होने की आशंका है। बहरहाल ग्रहण का प्रभाव भारतीय राजनीति के लिए भी अशुभ बताया जा रहा है। जो ये ग्रहण मेष राशि के भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है, इस कारण मेष राशि से जुड़ी राजनीतिक हस्तियां इसकी गिरफ्त में हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान से लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इसका खासा प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। ज्योतिषियों की माने तो मेष लग्न की पाकिस्तान की कुंडली में लग्न को पीड़ित कर यहां ग्रहण राजनीतिक हिंसा के प्रबल योग बना रहा है, जिसके कारण मेष राशि के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अलोकतांत्रिक क्रियाकलाप हो सकते हैं। भारत में मेष राशि के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक रूप से ये चंद्र ग्रहण भारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कर्क लग्न की कुंडली के दशम भाव में पड़ रहा ये ग्रहण उनको जांच एजेंसी की कार्यवाही से कष्ट देगा। कन्या लग्न तथा मेष राशि में जन्मे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के लिए ग्रहण अनुकूल नहीं है। ग्रहण के प्रभाव से अगले 3 महीनों में भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव होंगे, राजनीतिक षड्यंत्रों के खुलासे होंगे, कुछ दुखद घटनाएं भी हो सकती हैं। ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि इस ग्रहण के कारण आने वाले समय में लूटपाट, चोरी, अग्निकांड की घटनाएं बढ़ेंगी और शीतकालीन फसलों में रोग प्रकोप होगा, राजनेताओं में भी खींचतान बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ग्रहण के समय चंद्र राहु का सूर्य बुध शुक्र केतु के सम सप्तक योग बनने से प्राकृतिक प्रकोप से जनधन की हानि तथा धातु व रस पदार्थों में तेजी होगी। बहरहाल चंद्र ग्रहण को आप एक आम खगोलीय घटना के तौर पर देखते हैं या फिर इसके पीछे के ज्योतिष कारणों को महत्व देते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठ रही थी। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी।
हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, हम उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं, पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्य और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर, रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते।